हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है कुर्ता पजामा पर। कुर्ता पजामा हम इंडियंस की ट्रेडिशनल ड्रेस भी है और कैजुअल वेयर भी है। इसे हम पार्टी वेयर भी यूज कर सकते हैं और डेली वेयर भी यूज कर सकते हैं गाइस। इसे बड़े से बड़ा एक्टर, स्टार, सेलिब्रिटी पहनते हैं, क्योंकि ये 500 वाला भी अच्छा लगता है और 5000 वाला भी। मगर गाइस, कुछ ऐसे फैशन टिप्स हैं जिसे हम फॉलो करके इसमें और ज्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं, और ज्यादा कूल लग सकते हैं। और कुछ फैशन मिस्टेक है जो आपको कुर्ता पजामा में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गाइस, ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं जाने की स्वैगर गबरू लेकर आया हूं कुछ ऐसे कूल टिप्स इस वीडियो में कुर्ता पजामा के। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको कुर्ता पजामा पार्टी वेयर चाहिए या कैजुअल वेयर। अगर आपको चाहिए पार्टी वेयर तो आपने ये देखना है भी वो टू कलर मैचिंग में हो, दो कलर मैचिंग में हो। व्हाइट कलर का हो पजामा, ब्राउन कलर का हो कुर्ता, ब्लू कलर का हो कुर्ता, व्हाइट कलर का हो पजामा, ऐसे वो मैचिंग में होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा लगता है। और इसके अगर आप ऊपर नेहरू जैकेट पहनते हो तो बहुत ऑसम लुक आती है गाइस। मगर गाइस, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग फैशन मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर ऑल ओवर पहन लेते हैं व्हाइट पजामा, व्हाइट कुर्ता, ब्लू पजामा, ब्लू कुर्ता, खासकर तो व्हाइट पजामा व्हाइट कुर्ते के ऊपर पहन लेते हैं नेहरू जैकेट, जो कि ऐसा लगता है जैसे आप वोट मांगने जा रहे हो, आप कहीं के नेता हो। और गाइस, पार्टी वेयर कुर्ता पजामा की फिटिंग की बात करते हैं। इसकी फिटिंग बिल्कुल स्किनी फिट होनी चाहिए, मतलब ये पूरा फिटिंग में होना चाहिए। इसके ऊपर आप नेहरू जैकेट पहनो या ना भी पहनो, ये अच्छा लगे। ये लूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या फैशन मिस्टेक हो जाती है। गाइस, अब बात करते हैं कैजुअल वेयर की। कैजुअल वेयर कुर्ता पजामा बिल्कुल सिंपल, जैसे व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा ऑल ओवर होना चाहिए, ब्लैक कुर्ता ब्लैक पजामा ऐसे अच्छा लगता है गाइस, ये टू कलर में अच्छा नहीं लगता। इसके ऊपर डबल पॉकेट भी आप पहन सकते हो, शोल्डर पट्टी हो अच्छा लगता है, और नीचे हल्का सा कट हो तो बहुत ही स्टाइलिश लगता है गाइस। मगर गाइस, यहाँ पर आपने देखना है भी इसका फैब्रिक है ज्यादा हल्का ना हो, नेट की तरह ना हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब इसकी बात करते हैं फिटिंग की। गाइस, इसकी फिटिंग आप पे डिपेंड करती है, आपको कैसी अच्छी लगती है। ये फिटिंग में बहुत अच्छा लगता है और ये हल्का सा लूज भी बहुत अच्छा लगता है। मगर गाइस, इतना भी लूज मत पहन लेना कि आप अंकल दिखो, ये बहुत ही चीप लगता है। और गाइस, अब बात करते हैं कुर्ता पजामा के साथ कैसे शूज पहनने चाहिए। अगर आप पहन रहे हो पार्टी वियर तो उसके साथ सिर्फ जलसा ही चलता है, आपने लोफर या स्नीकर या ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना। और हाँ, अगर आप कैजुअल वियर पहन रहे हो तो आप उसके साथ पहन सकते हो जलसा और लोफर। और हाँ गाइस, स्नीकर कभी भी नहीं पहने। तो गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी तो आपने पता क्या करना है, आपने करना है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि ऐसी और वीडियो मैं बना सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।